नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। नवरात्रि पर सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद पर बोली शीला मंडल। बिहार में बाढ़ पर तेजस्वी के सवाल का दिलीप जायसवाल ने दिया जवाब। बढ़ते अपराध पर बोले तेजस्वी, चीखे नहीं सुन पा रहे। पीके के दलित कार्ड पर जदयू के श्याम रजक का हमला। जमीन सर्वे के बीच राजस्व विभाग के 31 सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन। मुंगेर में मॉर्निंग वॉक के दौरान आरजेडी नेता के सीने में मारी गोली। भागलपुर में 15 दिनों में तीसरे पुलिया ने ली जल समाधि। कोसी में फिर उफान, चिंतित प्रशासन, दहशत मिलो। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के पहले दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना सिटी का दौरा कर गायघाट के समीप 26.42 करोड़ की लागत से बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गायघाट जेपी गंगापथ अप्रोच रोड की भी शुरुआत की। वहीं सीएम ने 7 निश्चय 2 योजना के तहत 87 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस के अंतर्गत भवन निर्माण को लेकर 408.75 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। बता दें कि पटना सिटी अनुमंडल के IIT के नाम पर नामांकित विद्यार्थियों का संस्थान का अपना भवन नहीं होने के कारण वे लोग दिग्घा स्थित IIT में प्रशिक्षण प्राप्त करने को मजबूर थे। संस्थान का अपना भवन का उद्घाटन हो जाने से अब इसी भवन में IIT के पठन पाठन का काम शुरू हो रहा है। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। हालांकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की रिहाई बरकरार होगी। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला समेत 2 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा के विधायक रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने RJD के टिकट पर वैशाली से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद पर बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कोर्ट का फैसला बताते हुए कहा कि इसे सभी को मानना होता है, न्यायालय का मामला है। माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है उसको सब लोग मानते हैं, हम लोग भी उसका आदर करते हैं। जो न्यायालय का फैसला है वो न्यायालय का फैसला है। बिहार में बाढ़ ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी और बेटी के साथ विदेश यात्रा पर है और वहीं से ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे। इस बीच दिलीप जायसवाल से जब तेजस्वी यादव के आरोपों पर सवाल किया गया तो वो काफी मुखर दिखे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को सवाल उठाने से पहले बाढ़ पीड़ितों के बीच जाना चाहिए। तेजस्वी को पहले खोजिए कि वह कहां गायब है, उन्हें पहले बाढ़ पीड़ितों के बीच होना चाहिए। तो विदेश यात्रा पर घूम रहे हैं, और जो नेता बिहार में नहीं है, जो बाढ़ पीड़ित के बीच नहीं है, उसकी बात आप लोग क्यों कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो आदमी बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं है वह बाढ़ के बारे में क्या बोल सकता है। वहीं इतना ही कहते हुए दिलीप जायसवाल जो है वो आगे की तरह निकल गए। इससे पहले उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दुबई घूम रहा है और राज्य में आपदा की स्थिति है, उसका सवाल आप उन लोगों से ही पूछिए। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, उनसे कहा कि चीखे नहीं सुन पाते हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ हैं तो फिर उन्हें प्रतिदिन सैकड़ों आमजनों की अपराधियों द्वारा ली जा रही नरबलि नजर क्यों नहीं आ रही है। क्या वो प्रतिदिन ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट और आम लोगों की चीखें नहीं सुन पा रहे हैं? क्या वो बिहार में बढ़ते अपराध पर कुछ बोलने योग्य नहीं है, इसीलिए एक लफ्ज भी इस पर नहीं बोल रहे हैं? आपके ध्यानार्थ विगत दिनों में बेखौफ बेलगाम अपराधियों द्वारा सभी दलों के नेताओं की गोली मारकर हत्या करने की कुछ खबरें साझा कर रहा हूं, ताकि इस गूंगी बहरी अंधी और अनैतिक सरकार के काले कारनामे सब जान सके। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। प्रशांत किशोर की ओर से दलित कार्ड खेले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। RJD से अभी हाल ही में जदयू में फिर से वापसी करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का कहना है कि प्रशांत किशोर ने कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले दलित को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया। वहीं प्रशांत किशोर की ओर से घंटे में शराबबंदी हटाने की बात कहे जाने पर भी श्याम रजक ने निशाना साधते हुए कहा कि गांधी जी की तस्वीर हाथ में लेकर घूम रहे हैं और गांधी जी के विचारों की हत्या करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात वही लोग कर सकते हैं। श्याम रजक ने कहा कि वो 700 सीटों पर चुनाव लड़ लें, बिहार की जनता सब जान रही है कितने लोग आए कितने लोग गए।
नीतीश कुमार जहां खड़े हैं वही हैं। 2025 को लेकर श्याम रजक ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में भूमि सर्वे के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 31 राजस्व कर्मचारियों को राजस्व अधिकारी के रूप में प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्व कर्मचारी जिन्हें राजस्व अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किया गया है उन्हें वेतनमान 7 स्तर का लाभ मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडे द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि उपयुक्त कर्मियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में उत्क्रमित किया गया है। इन सभी को आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाए जाने पर इसे संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। मुंगेर में आरजेडी नेता को गोली मारी गई। अपराधियों ने ऊपर 3 गोली चलाई है जिसमें से एक गोली उनके सीने में लगी। इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र का है जहां नौलखा नवटोलिया निवासी आरजेडी प्रदेश महासचिव पंकज यादव को अपराधियों ने उस समय गोली मार दी जब वह रोजाना की तरह घर के पास मुंगेर जलालपुर की जमालपुर मुख्य मार्ग के नौलखा के पास हवाई अड्डा मैदान में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि घटना को लेकर कुछ लोगों का नाम सामने आया है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बंद होता नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक पुल पुलिया ढहते बहते जा रहे हैं। कभी सहरसा में पुल गिर जाता है तो कभी अररिया में पुल बह जाता है। भागलपुर में एक और पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गया। पीरपैंती के चौखंडी में पुलिया पानी में बह गया। पुलिया के बहने का कारण बारिश और गंगा का बढ़ता जलस्तर बताया जा रहा है। पुलिया पहले से जर्जर घोषित था।